नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पिछले दिन है वो तमाम घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे जो अभी लेटेस्ट घटनाक्रम है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होने की बात कही जा रही है। और इसको लेकर राहुल गांधी ने सीईसी की बैठक में जो प्रदेश के कांग्रेसी नेता हैं उनसे बातचीत भी की और साथ ही वहां के नेताओं से फीडबैक भी मांगा गया है। तो सर, क्या लगता है जो मौजूदा परिस्थिति है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ के साथ गठबंधन किया जाए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो कांग्रेस और आपका गठबंधन है, ये अभी तो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे दोनों पार्टी गठबंधन में लड़ी थी और उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो गए तो सबने देखा, हमने देखा कि कांग्रेस 5 सीटों पे जीतने में कामयाब हुई और 5 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बिकॉज 2019 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस 0 सीट पे जीती थी और इस बार जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का वोट परसेंट भी काफ़ी अच्छा रहा, 44% के अराउंड उन्होंने वोट लिया। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 3-4% के बीच में ही रह गया। उसके बाद चुनाव ख़त्म होने के बाद हमने अभी 1-1.5 महीने पहले ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि वो सारी सीटों पे अकेले लड़ेगी, 90 के 90 सीटों पे अकेले लड़ेगी। तो मतलब गठबंधन एक तरह से कम समझ लीजिए, जब केजरीवाल जब थे जेल से बाहर थे जो कुछ दिनों के लिए, उस वक्त ही अनाउंसमेंट हो गया था। तो वो आगे लगता है ये गठबंधन टूट जाएगा। अब जो खबर हमारे पास आ रही है, कल जो कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने 90 में से 34 सीटों पे अपना वो मोहर लगा दिया है कि 34 नामों को कंफर्म कर दिया है, उसमें भूपेंद्र हुडा का भी नाम है। तो जो प्रभारी हैं वहाँ के बवरिया साहब, उन्होंने बोला कि बाकी नामों की चर्चा अभी चल रही है और इसमें देखेंगे आगे। तो उसमें से एक खबर ये निकल के आई कि राहुल गांधी खुद इंटरेस्टेड हैं कि आम आदमी पार्टी से अलायंस हो और जैसा आपने बताया उन्होंने फीडबैक मांगा है। ये अलायंस जब अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये अलायंस दोनों पार्टी के लिए ही बेनिफिशियल है। कांग्रेस हालांकि इस टाइम पे इस बार काफ़ी स्ट्रांग फुटिंग पे है पिछले बार से, और जो भी जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट हैं सब यही बता रहे हैं कि कांग्रेस अपने दम पे भी सरकार बना सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब क्लीन स्वीप टाइप का कुछ हो या कोई ऐसा लहर है कांग्रेस के फेवर में, बट कांग्रेस स्ट्रांग पोजिशन है। तो उसमें अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जुड़ जाती है तो ये हो सकता है कि 2-4 सीटें जो उनको और फायदा ही हो जाए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं, और जो मैं बार बार अपने वो एनालिसिस में बोलता रहता हूँ हमेशा कि राहुल गांधी थोड़ी सी मैच्योरिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि कॉलिशन पॉलिटिक्स के अपने फ़ायदे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसका फ़ायदा मिला, दोनों पार्टी इसको मिला, और अभी देखिए जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ रहे हैं, और इसी तरीके से वो चाहते हों कि आम आदमी पार्टी के साथ भी यहाँ पे हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पे अकेले लड़ने की स्थिति में तो नहीं है। लोकसभा में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है उससे भी वो निराश ही रहे होंगे, खासा निराशा रही होगी। तो हो सकता है पॉस्चरिंग होती है इस तरीके की कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, तो उसमें क्योंकि वो सीट ज़्यादा लेने की कवायद होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ दिन पहले कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं वहाँ की कुमारी शैलजा, उन्होंने भी वही बोला कि हम अकेले लड़ेंगे, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो वो अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है मतलब अगर राहुल गांधी इंटरेस्टेड हैं तो वो फिर आम आदमी पार्टी के लोग भी उधर से पॉजिटिव ही सिग्नल आना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं बॉल जो है कांग्रेस के पाले में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए भी विन विन सिचुएशन है अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर अलायंस में जाते हैं। दूसरी चीज सर, एक सवाल है कि जैसे कि हमने देखा हाल के रुझानों में या बहुत सारे जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी काफी स्ट्रांग है अभी, तो ऐसे में ऐसा मतलब क्या ऐसा रहा कि कांग्रेस पार्टी दिलचस्पी दिखा रही है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेके? तो एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी का कोई खास बेस तो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला है, दूसरी बात है कि केजरीवाल खुद भी हरियाणा से हैं, और एक क्या है कि NCR का इलाका है जहां आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, और तीसरी वजह ये हो सकती है कि राहुल गांधी ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि इंडिया ब्लॉक की राजनीति हम करना चाहते हैं, देखो पार्टनर को लेके चल रहे हैं। तो इन तीनों में से कौन सा आपको लग रहा है कि पॉइंट होगा जिस पे ज्यादा उन्होंने अहमियत दी होगी? देखिए, जब जो 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त आम आदमी पार्टी ने केवल 0.5% के करीब ही वोट पाया था, लोकसभा में वो बढ़ के 4% हो गया। तो अगर 4% भी किसी पार्टी का वोट है और वो अगर आके कांग्रेस के जो 44% वोट जो लाए हैं वो जुड़ जाता है तो कांग्रेस को मजबूती ही मिलेगी। आम आदमी पार्टी के वोटर्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं है। तो और ये
अभी जो मेन फोकस मुझे लगता है वो कांग्रेस का ये होना चाहिए कि भाई किसी भी तरीके से हमें बीजेपी को पावर से डिसलॉज करना है। देखिए एक तरफ बीजेपी है जो जेजेपी से भी हाथ मिलाने में नहीं झिझकती, वो किसी भी पार्टी के साथ जाके हाथ मिला के और वहाँ पे गवर्नमेंट बना के अपनी सरकार चलाती है, तो वो ही राजनीति कांग्रेस भी कर रही है। और जैसा आपने कहा कि वॉल जो है वो कांग्रेस के पाले में है, तो अगर कांग्रेस ने इस तरीके के फीलर्स भेजने शुरू किए हैं कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से भी फीलर्स आएंगे, या फिर हो सकता है कि बैठे, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा देर तो है नहीं, 5 तारीख को चुनाव है, जो पहले 1 को होने थे अब 5 को हो गए, टाल दिया गया डेट कुछ मतलब फेस्टिवल वगैरह है उस वजह से, तो अब आज हम 3 तारीख में बैठे हैं, तो 1 महीना है एक फेज में चुनाव होने, तो जो भी फैसला इन पार्टीज को करना है। देखिए अभी आम आदमी पार्टी ने तो अभी किसी भी कैंडिडेट की लिस्ट भी नहीं जारी की है, कांग्रेस ने 34 की करी है, कल फाइनल की है, अभी लिस्ट नहीं आई है, 34 नाम फाइनल में मीटिंग है और कल आज भी मीटिंग है, नामों पे चर्चा, अभी मीटिंग चल ही रही थी, बल्कि सुबह भी मीटिंग चल रही थी जैसे ही खबर आई हमारे पास कि मीटिंग चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ सीटों को इसलिए रोक के रखा गया कि भाई आम आदमी पार्टी अगर आती है गठबंधन में तो उनके साथ उन सीटों पर बातचीत करके उनके साथ बंटवारा करेंगे। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों पार्टीज के लिए ये अलायंस बेनिफिशियल होगा, एंड अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाथ मिलाते हैं तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए चुनौती और कड़ी हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा जो मौजूदा घटनाक्रम है और गठबंधन की राजनीति जैसे हरियाणा में देखने को मिल रही है, उसी तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी ऐसी बातें चल रही है। इसी तरह की चर्चाओं के लिए DNA के साथ बने रहिए। शुक्रिया।